करते हैं। नहीं नहीं, हमने पहले ही कहा आज आपकी स्टील ऑपरेशन करेंगे। ना मुझे गर्म करोगे मैं उतना ही काम करूंगा। अभी देखना होगा सटर्वे से चालू होगा या नेता जो है बोलते हैं और करते नहीं। ऐसा नहीं है कि खाली मशीन है लाके लगा दिया, यानी इलेक्ट्रिक का बटन चालू किया तो लाइट आ गई। मुमरा कौसा की सड़कों पर ये लगने वाला था, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। जानते हैं शमीम खान जितना बोलता उतना करता है। अच्छा मैं आपसे पहले कह चुका हूँ मैं एक दिन क्या एक घंटा लेट करना नहीं चाहता। प्रहार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आज फिर वही बात, फिर वही मुद्दा, फिर वही मुमरा कौसा की बस स्टैंड को लेकर मैं ढूंढने निकला हूँ, लेकिन हमें मुमरा कौसा के बीच एक भी बस स्टॉप नया नजर नहीं आया। जिस तरह से शमीम खान ने कहा था एक हफ्ते में बस स्टॉप बनकर तैयार हो जाएगी, तो 38 बस स्टॉप की उन्होंने बात की थी, एक भी बस स्टॉप हमें कौसा मुमरा में नज़र नहीं आया। लेकिन हमने हार नहीं मानी, मुमरा कौसा से हम ढूंढते ढूंढते बस स्टॉप हम पहुंचे हैं नाइस वर्ल्ड में, जो शिमला पार्क के पीछे है। यहां पर हम आए हैं और बस स्टॉप तो नहीं, बस स्टैंड हमें बल्कि नज़र आया है। ये बस स्टैंड जो है आप देख सकते हैं ज़मीन पर पड़ा है। बहरहाल बस स्टैंड के साथ साथ वादे करने वाले, दावे करने वाले शमीम खान जो कल मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वह परिवहन सदस्य हैं, वो भी हमें मिल गए हैं। हम आज जिस तरह से शमीम खान पिछले दिनों बस ड्राइवरों को लेकर, बस कंडक्टरों को लेकर उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, आज उसी तरह से शमीम खान साहब का मैं स्टिंग ऑपरेशन करूंगा इस बस स्टैंड को लेकर, क्योंकि उन्होंने बस स्टॉप लगाने की बात की थी, बस स्टैंड लगाने की बात नहीं की थी। जिस तरह से मैंने बताया कि ये बस स्टैंड के साथ साथ वो भी मिल गए हैं, हम आज उनसे जानते हैं। हमने कहा है आपको कि आज उनकी स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। तो बहरहाल शमीम भाई, आपने जो है बस स्टॉप लगाने की बात की थी पिछले एक हफ्ते, मतलब एक हफ्ता पहले आपने कहा था कि बस स्टॉप लग जाएगा। एक हफ्ता तो बीत गया, एक भी बस स्टॉप नहीं दिख रहा है। आप एक हफ्ता बोले थे या एक महीना बोले थे? फिरोज हाशमी जी, मैंने एक हफ्ता ही बोला था, मैंने एक महीना नहीं बोला था। और आपकी जानकारी के लिए, ये जो बस स्टैंड आपको दिख रहे हैं, ये बस स्टैंड एक हफ्ते के अंदर ही यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन आने के बाद आपके कैमरे के माध्यम से आप दिखा सकते हैं कि उसको पेंडिंग करना पड़ता है। उसमें जैसे कि TMT बस थांबा और बस क्रमांक नंबर, पहली बस, दूसरी बस, टाइम टेबल लिखना पड़ता है, तो उसके लिए 2-4 दिन एक्स्ट्रा जाता है। तो ये चीज़ को आपको सोच कर बोलना चाहिए था कि एक हफ्ते में आपने कह दिया कि लग जाएंगे 38 बस स्टॉप जो है, मतलब ये बस स्टैंड मुमरा कौसा में लग जाएंगे, भारत गेट से लेकर रेती बंदर के बीच 38 बस स्टॉप की बात किया था आपने जो है बस स्टैंड की, लग जाएंगे। तो यानी आपको जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं कि इसमें लिखना पड़ता है वगैरह वगैरह, तो आपको पहले ही बोलना चाहिए, आप एक हफ्ता क्यों टाइम लिए? एक हफ्ता का जो मैंने टाइमिंग लिया था, तो एक हफ्ते के अंदर की बात आप करते हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ कि एक हफ्ता नहीं, अगर मेरी कोशिश चले और मेरा बस चले तो मैं एक दिन की बात करूँ कि एक दिन नहीं, एक घंटे में काम होना चाहिए। जो काम की ज़रूरत है शहर को, जिस काम की ज़रूरत है जनता को, वो काम एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, एक दिन में होना चाहिए। लेकिन अपनी सोची हुई इंसान की नहीं चलती है। फिरोज हाशमी जी, आपको हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये बस स्टैंड आ गए हमारे पास, एक हफ्ते के अंदर आ गए। ये कभी लगेंगे? आपने एक हफ्ता बोला था बस स्टैंड आके रखा गया है, लेकिन अब ये लगेंगे कब? अभी ये कितने दिन लगेंगे? महीने लगेंगे, दो महीने, कितने दिन लगेंगे? सर आप मुझे बोलने का मौका तो नहीं। बोलिए बोलिए। आप वन साइड मुझे घेर रहे हैं, लेकिन आप बात तो मेरा भी सुनिए ना, सुनाइए। नहीं नहीं, हमने पहले कहा आज आपकी स्टिंग ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि आपने बस ड्राइवरों का किया और जो है बस कंडक्टरों का किया, लेकिन आपका स्टिंग ऑपरेशन इसलिए करूंगा क्योंकि आपने एक हफ्ते की वादा किया। मैं जब तक इस परिवहन समिति के अंदर हूँ और जब तक मैं सामाजिक काम में हूँ, मेरा जरूर स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए। मैं इससे कहीं खिलाफ नहीं आपके अल्फाज से, लेकिन हम बताना चाहेंगे आपको कि कोई भी काम, 38 बस स्टैंड को रेडी करना,
38 बस स्टैंड को उसके अंदर उसका मार्क, उसके मार्क को रेडी करना, उसके बस नंबर को बताना, उसके टाइम टेबल को तय करना, ये एक प्रोसीजर का काम होता है। फिरोज हाशमी जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर हमारा ये सब प्रोसीजर हो गया। मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे TMT के व्यवस्थापक जी को, और मैं मुबारकबाद दूंगा जो लोगों ने, कनाडे साहब को, जो हमारे साथियों ने मिल करके, हमारी पूरी टीम ने कोशिश करके हमको 38 बस स्टैंड पहुंचा दिया। चलिए, बस स्टॉप आ गया, बस स्टैंड आ गया। समीम भाई, बस जी आपने पूछा ना कब लगेगा, हाँ। तो मुझे कहने दीजिए सर, हाँ। ये आ चुका है, आपने देख लिया है। अभी रही बात लगने की, तो अभी भी कुछ काम चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इसको कहाँ लगाना है, किस जगह पे लगाना है, उसकी लिस्टिंग चल रही है। अल्लाह ने चाहा, हमारा जो तय हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला सैटरडे को सुबह 11:30 बजे रेती बंदर से लेकर के भारत गेट तक ये 38 बस स्टैंड लग जाएंगे। कि मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं परिवहन में जाने के बाद जो चीज़ हमारे शहर में, जैसे आप जानते हैं कि रोड वाइंडिंग के तहत ये बस स्टॉप जो लगे थे वो सब निकाल दिए गए थे, जब से लेके बाद में कुछ काम नहीं हो पाया, यानी रोड का वाइंडिंग का काम रुका हुआ था। ये काम किसका है, मतलब करवाने का जो काम रुका हुआ है, ये काम किसका है? आप जानते हैं ना कि 7 महीने से हालत क्या है देश के, आप जानते हैं ना कि 7 महीने से महामारी की हालत में हम लोग उलझे हुए हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी और मौत में उलझा हुआ है, इंसान इस हालत में उलझा हुआ है कि एक दूसरे से मिल नहीं सकता, और मिलता है तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कहने की ज़रूरत नहीं मुझे। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि सैटरडे को इंशाल्लाह ताला सुबह 11:30 बजे रेती बंदर से ये बस स्टॉप लगना, बस स्टैंड लगना चालू हो जाएंगे, माननीय हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वाट साहब के मार्गदर्शन में, और भारत गेयर तक ये लग जाएंगे। समीम भाई, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो है सैटरडे को लग जाएगी, ये भी एक चेतावनी है आपके लिए, क्योंकि मुमरा कौसा के लोग, सब लोग देख रहे हैं प्रहार टाइम। पिछले दिनों आपने एक हफ्ता बोला था, और एक हफ्ता से आज ज़्यादा हो गया, एक भी बस स्टैंड नहीं लगे हैं, लेकिन अब आप सैटरडे को बोल रहे हैं कि सैटरडे से मतलब ये चालू हो जाएगा आपका। ये भी देखना होगा कि सैटरडे से चालू होगा, या नेता जो है बोलते हैं और करते नहीं हैं। आप जानते हैं शमीम खान जितना बोलता उतना करता है, शमीम खान से हवाई बात नहीं करता, शमीम खान वो करता है और वो कहता है जो काम बुनियादी हो और जो काम हो सके। मैंने कहा था 38 बस स्टॉप, बस स्टैंड आपके माध्यम से सामने हाजिर है। लेकिन समीम भाई, अब यहाँ पर आपको मैं रोक रहा हूँ कि आपने तो बस स्टॉप की बात की थी, बस स्टैंड की नहीं। फिरोज हाशमी जी, मेरा तो ये सोच है कि जितना खूबसूरत बस स्टॉप में दे सकूँ, जितना खूबसूरत, जितना सुंदर वो मैं देना चाहता हूँ। लेकिन अभी भी कॉरपोरेशन के जानिब से होने वाला काम, रास्ते का रोड बाइंडिंग, गटर नाले, ऐसे बहुत सारे काम रुके पड़े हुए हैं, यानी रुके पड़े हैं मतलब चल रहे हैं, थोड़ा सा उसकी गतियाँ यानी गत स्लो है, क्योंकि अभी इसमें वर्कर और चीज़ें नहीं मिल पा रहे थे, तो उसके तहत ये काम रुका हुआ है। जैसे भी ये काम ख़त्म हो जाता है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, हमारे नगर सेवक, नगर सेविकाएँ उसके काम के पीछे लगे हुए हैं, जैसे ये काम ख़त्म हो जाता है, हमने वो भी यानी जो आपने जिसको कहा कि आपने बस स्टैंड की बात नहीं, बस स्टॉप की बात की थी, तो फिरोज हाशमी जी हम बता दें आपको, उसका ऑर्डर भी जा चुका है। लेकिन समीम भाई पूछेंगे कि कब लगाएंगे उसको, हाँ। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसे गटर नाले का काम, रोड का वाइंडिंग काम ख़त्म हो जाएगा, उसको तब लगाएंगे। मतलब वो, मतलब जिस तरह से अभी 2-3 साल हो गया है, रोड बन ही रहा है, अभी तक बन ही नहीं पाया है, यानी और मतलब 2-3 साल और चले जाएंगे, फिर उसके बाद बनेगा? नहीं नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, हाँ। 2-3 साल नहीं हुआ है, हाँ। देखिए ऐसा है कि कोई भी काम करने के लिए, रोड वाइंडिंग को तो 2-3 साल हो गए। सुनिए फिरोज हाशमी जी, इतना बड़ा काम है, 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस का काम है, राइट लेफ्ट में काम करना है, ऐसा नहीं है कि खाली मशीन है लाके लगा दिया, यानी इलेक्ट्रिक का बटन चालू किया तो लाइट आ गई, ऐसा नहीं है। उसके लिए काम होता है, प्रोसीजर्स होते हैं, और उसमें 7 महीना तो हमारा महामारी में चला गया, तो जैसे भी वो काम हो जाता है, इंशाल्लाह ताला मैं मुमरा कौसा को एक बहुत खूबसूरत बस स्टॉप दूंगा, शेड वाला, जो कि लोगों को इंशाल्लाह अच्छा। अभी बारिश का टाइम, धूप, तो ये जो आपने ये लाया है बस स्टैंड, इससे क्या मतलब किसी को बारिश मतलब ये रोक पाएगी, यानी इसके पास जो है मतलब कैसे खड़े होंगे लोग, जो यात्री हैं जो बस के? फिलहाल जो जरूरत है लोगों को, लोकल ट्रेन बंद होने के कारण लोगों को बस की सुविधा चाहिए,
जैसे मैंने पहले 4 बस चालू कराई, फिर मैंने 10 बस चालू करा दी भारत गेट टू मुलुंचकना का, तो लोकल ट्रेन बंद है। तो जो लोग हैं उनको ये मालूम कैसे पड़ेगा कि बस स्टैंड अगर नहीं होंगे, बस क्रमांक नहीं होंगे, बस मार्ग क्रमांक नहीं होंगे, बस की का नंबरिंग नहीं होगा, यानी टाइम टेबल नहीं होगा, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि लोगों कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको कहां से बैठना है और कहां जाना है और कौन सी बस हमको लेके जाएगी। तो वो काम तो मैंने कर दिया। रही बात शेड की, तो खाली बारिश ही नहीं, फिरोज हाशमी जी, धूप की भी दिक्कत लोगों को होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इतना खूबसूरत शहर हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने बनाया है, तो मैं उनका एक सिपाही हूँ। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये सोच है कि अगर मैं उनके साथ उनके कदम से कदम मिला के चलूँ और मेरे नेता को मैं सपोर्ट करूँ, जिस तरह सपोर्ट का मतलब जितना अच्छा उनके उनकी सोच को सराहा जाए उतना कम है। समीम भाई, एक बात आप भूल रहे हैं, जो है आपने एक वादा किया है, आपका एक सपना है, वो सपना है बस डिपो का। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि आपने ये वादा किया था। जब एक हफ्ता ये जो है लगने में मतलब चला गया, एक हफ्ते आपने वादा किए थे, ये एक हफ्ते में नहीं लग पाया, तो बस डिपो का जो आपका सपना है वो कब पूरा होगा? फिरोज हाशमी जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे सही मेरा स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, अब मुझे ऐसा लगा, लेकिन अच्छा लगता है। जो सही है वही अच्छा लगता है। जितना मुझे जगाओगे मैं उतना ही दौड़ूंगा, जितना मुझे गर्म करोगे मैं उतना ही काम करूंगा। मुझे इससे कोई, मैं इसको बुरा नहीं मानता, अच्छी बात है। अच्छा सवाल किया आपने। फिरोज हाशमी जी, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में उन्होंने हमको बहुत टाइम पहले ही इसका आदेश दिया है। और जब हम बताना, आपको याद दिलाना चाहते हैं, आपके प्रहार टाइम्स के माध्यम से हमने एक वादा किया था, जब मैं मुंतखब हुआ था, यानी परिवहन समिति के अंदर थाने TMC के गेट के बाहर, तो मैंने वादा किया था कि मेरी एक सोच है, मेरा एक सपना है कि मेरे शहर में एक अच्छा बस डिपो आए। मैं अपने उस बात पे कायम हूँ। और लेकिन आएगा कब? सुनिए ना सर, आएगा कब? सुनिए ना सर, आप जिस तरीके से दहिसर मोरी, दीवा, कल्याण फाटा एंड सिल फाटा एंड मुमरा से लेके रेती बंदर तक, इस दरमियान में कोई बस डिपो नहीं है। मैं आपके माध्यम से हमारे आला अधिकारियों को हम बताना भी चाहेंगे कि सर, हमारे शहर में बस डिपो की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमने उसका प्रोसीजर कर दिया है, हमने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को, हमारे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर को, हमारे नेता का सपोर्टिंग लेटर लगा करके हमने वो लेटर को, हमारे खत को हमने उनको दे दिया है। देखिए, ये क्या आश्वासन मिला है वहाँ से, आपने दे दिया है, क्या आश्वासन मिला है? और मुमरा कौसा वासियों को बस डिपो कब मिलेगी? चलिए, आप ही का सपना है, लेकिन ये पूरे मुमरा कौसा वासियों का सपना है कि यहाँ से ही बस डिपो बने और यहीं से चले। देखिए सर, मुझे आज भी याद है कि मैं जब पहले मालाड़ मुंबई में रहा करता था, 91 और 89 की बात है, तो मैं मुंबई अब्दुल रहमान स्ट्रीट जाता था मेरे काम के लिए, तो वहाँ बाजू में एक बस डिपो था। तो मैं अपने घर से टाइम से निकलता था कि मुझे अच्छी बस मिलेगी, अच्छी सीट मिलेगी, तो मैं जा करके अच्छी नई बस या अच्छी बस देख करके उस सीट पे जाके बैठ करके आराम से मुंबई पहुंच जाता था। इस तरीके की मेरी एक सोच है कि मेरे मुमरा कौसा ही की नहीं, बल्कि दीवा और डाइगर सील दहिसर मोरे के, मुमरा कौसा के इतराफ़ के लोगों को, सिलफाड़ा के, इनको अच्छा एक सुविधा मिले। उसको तहत हमने मंत्री जी से बात करके हमने उनसे ये भी कहा है कि सर, ये बस डिपो का काम बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्द करना है हमको। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि बस डिपो, मैं आपसे कह दूं कि एक हफ्ते में लग जाएगा, तो ये झूठी बातें हो जाएगी। फिरोज हाशमी जी, ये एक प्रोसीजर, झूठी बात तो ये भी हो गई, आपने जो है बोले कि बस स्टैंड, बस स्टॉप लगने वाली, अभी तक एक भी बस स्टैंड नहीं लगा जी। फिरोज हाशमी जी, आप जहाँ खड़े हैं, यहाँ 38 बस स्टैंड रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं, रोड पे नहीं है। जहाँ पर सड़कों, जो सड़कों की बात हुई थी, सड़क पर मुमरा कौसा के सड़कों पर ये लगने वाला था, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। सर, मेरी बात को सुनिए, रखने की बात जरूर हुई थी, लगाने की बात जरूर हुई थी, लेकिन 2-4 दिन की बात है, कोई एक हफ्ते की बात में कोई एक महीना नहीं हो गया। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि मैं एक दिन क्या एक घंटा लेट करना नहीं चाहता, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है, गड्ढे खोदने पड़ते हैं, उसके लिए सब इसको पेंट करना पड़ता है, नंबरिंग करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है बैठ करके व्यवस्थापक जी के साथ कि कहाँ कहाँ लगेंगे। वो लिस्ट बन चुकी है मेरी,
मैं आपको लिस्ट भेजूंगा, आप अपने कैमरे के माध्यम से वो लिस्ट भी दिखाइएगा कि अभी मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ कि ये कहाँ कहाँ लगने वाले हैं, आपको एरिया हम भेज रहे हैं, सब फाइनल हो चुका है। सैटरडे को इंशाल्लाह मंत्री जी के हाथों से लग जाएगा। अच्छा। बात रही बस डिपो की, तो बस डिपो का प्रोसीजर चालू है, इंशाल्लाह ताला हमारे शहर को एक बहुत अच्छा बस डिपो हम देंगे, अल्लाह ने चाहा तो। मतलब टाइम नहीं देंगे मगर देंगे, बस स्टॉप देंगे टाइम नहीं देंगे। टाइमिंग देखिए, बस फिर आप उसी पे आ गए। बस डिपो ऐसा नहीं है कि मैं उठा के लाऊं ला के रख दूं, ये आश्वासन है आपकी तरफ से बस डिपो आएगा, क्योंकि ये सुनते तो आया हूं मैं काफी टाइम से। सुनिए सर, सुनिए सर, मेरे को बनकर के 7 महीना हुआ, 7 महीना, 7 महीने में मुझे 6 महीना काम करने को नहीं मिला। मुझे काम करने के लिए भी 20-25 दिन से मिल रहा है, ऑफिस चीजें बंद थी लॉकडाउन की पोजीशन में, अभी तो हमें अपने ऑफिस तक जा पा रहा हूँ। तो मैं अभी 1 महीने के अंदर, देखिए अल्लाह का एहसान है कि जो बस, 4 बस, 1 बस नहीं चलती थी भारत गेट टू मुलुंड चकना का, वो मैंने 4 करा दिया था, अब 10 हो चुकी है। ठीक है समीम भाई, मैं समझ गया आपकी बात। जैसा कि एक बात और यहाँ पर है, आप देखिए तो जो बसें हैं वो BST की हो या फिर वासी की हो, नवी मुंबई से वो मुमरा में आती है, और भी मतलब जगहों से जैसा बॉम्बे से बसें जो है वो मुमरा में आती हैं, कलवा में आती हैं, तो ये मुमरा से जाने वाली जो है बसें जो काफ़ी तकलीफ़ है लोगों की, काफ़ी लोग आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ से मतलब जाने के लिए बस के लिए क्यों नहीं इजाज़त है वहाँ पर, इसके लिए क्या आवाज़ उठा रहे हैं आप? इसके लिए परसों हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग में मैं अपने व्यवस्थापक जी से और हमारी जो कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर के, जैसे कि प्रकाश पाटिल, नितिन पाटिल, मोहसिन शेख और हमारे साथी शोएब खान, हम लोगों ने एक मीटिंग लिया था। उसमें किशोर गावत साहब से हमारी एक बात हुई थी, हमारी बात ये हुई थी, हमने उनसे एक सवाल किया था, हमने कहा सर कि अगर BST की बसें TMT में आ सकती है, वाशी की बसें मुमरा में आ सकती हैं, परमिल की बसें मुमरा में आ सकती हैं, तो सर हमारी बसें वहाँ क्यों जा नहीं सकती? क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि यही सवाल जो है लोग मुमरा कौसा के लोग आपसे पूछ रहे हैं। उनको वो खत में अभी आपको भेजूंगा, वो भी आप दिखाइएगा जरूर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने खत दिया, ऐसा नहीं कि आपने सवाल किया तो मैं बता रहा हूँ आपसे, मैंने परसों ही खत दे दिया, उसमें मैंने लिखा है कि कल्याण फाटा से लेकर, कल्याण फाटा से अगर चलाया जाएगा तो दीवा और कल्याण डाईघर एंड दहिसर मोरी के लोग भी वहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे, उसके बाद भारत गियर मुमरा, फिर वो कलवा, फिर उसके बाद कटवेरी नाका, फिर वो होते हुए कुरला घाटपुर मुंबई VT के लिए मैंने मांगनी किया है कि ऐसी बसें चलाई जाए और वहाँ से बस हमारी बस जाए, हमारी TMT की बसें जाएँ और TMT की बसें लेकर के भी लोगों को आएँ। तो हमारे व्यवस्थापक जी ने हमसे ये वादा किया है, मैं वादा करता हूँ आपके माध्यम से कि इंशाल्लाह ताला मेरा एक एक मिनट आवाम के लिए है। मुमरा कौसा में जिन्होंने ये बस स्टॉप की जगह पे फिलहाल जो है अभी कंडीशन के हिसाब से समय के अनुसार आपने जो है बस स्टैंड लाया है। मैं लेकिन आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ फिरोज हाशमी जी, देखिए आपने इस कैमरे के माध्यम से मुझे कई बार पूछा, आपने एक हफ्ता कहा, आपने एक हफ्ता कहा, आपने एक हफ्ता कहा, जरूर, हाँ। तो मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे फिर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी हर सोच में ये होता है कि मैं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में मैं अपने शहर को जो कुछ दे सकूँ TMT के माध्यम से वो मैं देना चाहता हूँ। लेकिन सर कैसा मालूम है कि आप मेरे शब्द को मत पकड़िए, मैंने एक हफ्ता कहा लेकिन सर ठीक है उसमें 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो गया, 2-3 दिन एक्स्ट्रा क्यों हुआ हम बता चुके आपके, हम दोबारा रिपीट करना नहीं चाहते, लेकिन एक वादा करता हूँ, शमीम खान का किया हुआ वो वादा, जो शमीम खान को जब मुझे मुंतखब किया गया था थाने कॉरपोरेशन के माध्यम से जी। वो वादा से लेकर के आज तक का वादा इंशाल्लाह ताला मैं मेरे कार्यकाल में डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के मार्गदर्शन में पूरा करूँगा। समीम भाई एक बात ये बताइए, ये जो है बस स्टैंड क्या है? बस स्टॉप रहता तो लोगों को पता है कि यहाँ पे बस रुकेगी और वहाँ पे बैठने की भी जगह रहती, लेकिन ये स्टैंड है, ये क्या है मतलब, इसमें जरा बताइए आप मुझे। देखिए फिरोज हाशमी जी, आपने जो बात कहा ना बस स्टॉप, हाँ। तो बस स्टॉप ही है वो जी, लेकिन वो शेड वाला जो बस स्टॉप होता है, हाँ। वो मैं बता चुका हूँ कि रोड बाइंडिंग के नाते अभी मैं लगा नहीं सकता, वो मेरा वर्क चालू है उसके ऊपर, मेरा ऑर्डर जा चुका है TMT के माध्यम से, लेकिन काम वही है जैसे उसमें लिखा रहता है कि TMT बस थामा,
भारत गियर में ये लगेगा, उसमें लिखा है बस मार्क क्रमांक 70, 74, 75, 78 लिखा है, पहली बस, आखिरी बस, टाइम टेबल, ये शो एंड शो इसमें शो किया गया है। इस तरीके से ये लगेगा भारत गियर पे, इसका एक स्थल जगह तैयार किया गया है, वहाँ ये लगाया जाएगा इस तरीके से, 38, 19 इस तरफ, 19 इस तरफ लगाया जाएगा, जिससे आवाम को ये तकलीफ नहीं होगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि मुझे अगर यहाँ से घाट के ऊपर जाना है, मुझे यहाँ से भिवंडी जाना है, मुझे यहाँ से थाने जाना है, तो मुझे कहाँ से बैठना है, उनको हेल्प करेगा ये इंडिकेट। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई आप जानकारी देने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है, ये बस स्टैंड 38 बस स्टैंड है जो मुमरा स्टेशन से यानी रेती बंदर से लेकर भारत गेट तक लगाई जाएगी। और जिस तरह से जो है समीम खान ने बताया था कि एक हफ्ते में ये लग जाएंगी, तो बहरहाल ये एक हफ्ते में नहीं लगे हैं, लेकिन ये सैटरडे को उनका वादा है कि लग जाएगा। अब ये देखना होगा कि ये सैटरडे को लगता है या इसी तरह से एक जुमला बनकर रह जाता है। और भी उनके मुद्दे थे, जैसा कि उन्होंने एक सपना देखा था बस डिपो का, और लगभग 7 महीने ही उन्हें हुए हैं परिवहन सदस्य बने, और 7 महीने में उन्होंने 2-3 वादे किए हैं, जिसमें से एक वादा उनका पूरा होता नज़र आ रहा है कि बस स्टैंड जो है लगा रहे हैं। और आगे का जो वादा है उनका वो ये है कि बस डिपो मुमरा में बनाने का। और कैमरामैन रहमान के साथ फिरोज हाशमी, प्रहार टाइम्स, मुमरा।